जनरल सर, विवेक सर ने दो चीजें उठाई थी सर शुरुआती शुरुआत में ही अपने जब बात हो रही थी, तो एक वो संयोजक की बात कर रहे थे कि भाई जो भी चीजें कही जा रही हैं वो अगर तय नहीं होती हैं तो एक मैसेज जाने की बात पहली चीज। दूसरा सर, सीटों के बंटवारे को लेकर के बात हो रही थी, समय लगेगा तो कितना समय लगेगा, ये भी चीजें कैसे देखी जाएंगी वो एक सीन है। सर मेरा सवाल ये है कि ये सारे मुद्दे अपनी जगह पर, जो बार बार सीटों के बंटवारे को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया हर बड़े नेता से सवाल पूछ रही है विपक्ष के दलों के साथ, पहली बार मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि मैं देखा तो अभी बहुत कम चुनाव है पर पढ़े हैं जितने, उस हिसाब से शायद गठबंधन की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर वो नेता जो चेहरा है अपनी पार्टी का वो सीधे सीधे ये कहता है कि मैं यहाँ किसी पद के लालच में नहीं आया हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, केवल देश बचाने, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की बात होती है। जब हर नेता का बयान सीधे सीधे आता है इस तरीके से, उसके बाद भी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है, ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या जरूरत है कि ये सवाल उन्हीं नेताओं से बार बार पूछा जाए कि सर चेहरा कौन होगा, सर चेहरा कौन होगा। आखिर ऐसी आवश्यकता, मजबूरी, जरूरत, जो कुछ भी हो, ये क्यों है और क्या है ये? देखिए राम प्रसाद जी, मेरी मर्यादित समझ के अनुसार बीजेपी पूर्णतया बौखलाई हुई है और ये भी समझ रही है कि अगर ये समय ये लोग हारे तो सबके सब तिहाड़ में होंगे, यानी दो तीन और तिहाड़ बनानी पड़ेगी। इतने कौभांड के वो ढेर पे बैठी है। एक एक स्टेट ऐसा है जहाँ की 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ के कौभांड उन्होंने बना रखे। अब कल ही गुजरात में चर्चा थी, ये झींगा फार्म का कौभांड जो अभी सतह पे आया है, इट इज अबाउट 10 लाख करोड़। तो ये इन लोगों ने जो किया है वो उनको कहीं ना कहीं तो वो उनका कॉन्शियस समझ रहा है कि जो हमने किया है उसका आधा भी इन्होंने किया तो कुछ लोग चले जाएंगे, आइलैंड बाइलैंड ले रखे होंगे तो बाकी के लोगों के लिए तो मुश्किल होगा। तो एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तब हमारे 11 खिलाड़ी होते थे, पाकिस्तान के 13 होते थे, दो अंपायर और 11 की टीम। अभी इनका भी यही हाल है, बीजेपी एंड मीडिया। हालांकि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है करीब करीब खलास हो गई। आजकल टीवी कितने घरों में देखा जाता है सीरियलों के सिवा, वो हम जानते हैं। तो ये हमें इसमें ये नया मुद्दा खड़ा करने में साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये तर्क से हार रहे हैं तो वितर्क का सहारा ले रहे हैं, वितर्क से हार रहे हैं तो कुतर्क का सहारा ले, ये कुतर्क है। कौन प्रधानमंत्री वगैरह, आपको क्या काम है यार, वो जो शादी करने निकला है उसको घर घर अपना चलाना है, आप कौन होते पूछने वाले कि कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या जरूरत है आपको पूछने की। तो मीडिया का एजेंडा है, जो जो मोदी मीडिया कहते हैं इसको या मोदी मीडिया कहते हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि कैसे भटकाया जाए लोगों को। तो सर मीडिया, आप में सर मीडिया की जरूरत, मीडिया का तो बाद की बात है सर। इससे जितने सवाल हैं सबसे ज्यादा ये मुद्दा उठाया बीजेपी और एनडीए के नेताओं के द्वारा जा रहा है। मीडिया तो केवल उसका एक माध्यम बना हुआ है, उठा तो हाँ, भाजपा रही है। तो वही हमारे घर वही में क्या तो होगा बनेगा, हमारे घर में क्या खाना बनेगा, इसकी चिंता भाजपा को हो रही है सर इस समय। बात उस वो परिस्थिति लोग, नहीं वाली हो रही उनकी चिंता इसीलिए कर रहे हैं ये लोग कि है। उनको नहीं, अभी हार दिख रही है। यही जो चला जो ट्रेंड, मैं तो गुजरात जैसे राज्य में काफी, अभी अभी मेरा करीब करीब पूरे राज्य का दौरा हुआ, तो यहाँ एक समय था जब आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कुछ बोलो तो लोग आपको घेर लेते थे, बोले नहीं हमारे नरेंद्र भाई है, आप ऐसी बात क्यों करते हैं। अब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। इतना फर्क यहाँ भी आया है। हालांकि गुजरात में मैं नहीं मानता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, मगर 5-7 सीटों का फर्क जरूर पड़ेगा। जो 26-26 आ रही थी वो ये टाइम 26-26 नहीं आएगी। तो ये परिस्थिति में इन लोगों को कहीं ना कहीं मौत दिख गया है कि अब ये टाइम हम खतरे में है। देयरफॉर
दे आर फाइटिंग द लास्ट डिच बैटल, और अभी जो कर रहे हैं वो तो छोटे मोटे हथकंडे हैं, इनके बड़े बड़े हथकंडे तो अब आने वाले हैं, क्योंकि जब वो पूर्णतया घबरा जाएंगे, पूर्णतया कन्विंस हो जाएंगे कि हम जा ही रहे हैं, तब वो क्या करेंगे उसका आपको अंदाजा नहीं है। उसके लिए दारू घोड़ा तैयार हो रहा है और कम्युनल बॉम्ब से लेकर आतंकवाद तक की चीजें खुद अपने ही कैप्टिव फोर्सेस में करने के लिए कई लोग इसमें काबिल है। तो ये इनकी कैपेबिलिटी बीजेपी की हमें अंडर एस्टिमेट, आरएसएस बीजेपी की अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अभी उन्होंने, पहले तो क्या था कि आरएसएस के भी जो स्वयंसेवक थे वो प्रचारक थे, साइकिल पे जाते थे, किसी के घर पे खाना खाते थे, लोगों के साथ बैठते थे, फैमिली मेंबर के साथ बात करते थे। आज तो उन्हें भी कंफर्ट्स की वो वॉशिंग मशीन लग गए हैं, ग्रेनाइट लगा हुआ है संघ कार्यालय में, दरेक के पास बंद बॉडी की गाड़ी है। तो ये कंफर्ट इनको भी अभी, और वर्चुअली इनके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी जगह पे काफी कॉस्टली जमीन है और उसपे अच्छा सा एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो ये मैं मानता हूँ कि इनको कितने बच्चे हैं वो भी उनको मालूम नहीं। आप अगर पूछो आरएसएस को कि इनके बच्चे कितने हैं तो वो भी मालूम नहीं है इनको। तो दे आर द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरीज। भाजपा तो सत्ता में जो किया किया होगा, मगर बिना कुछ किए, जैसे वो मौज किया तो हमारा दुष्यंत शकुंतला वाली बात, और बच्चा हुआ तो तुम्हारा। तो ये आरएसएस और भाजपा का रिलेशनशिप है, ये तो हमारा, बच्चा तो तुम्हारा, करप्शन करते हो और मौज हम करते हैं। तो ये टाइम ये लोग घबरे हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आज कह रहा हूँ, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत हुआ था, मगर इनके ये शायद आखिरी मौका है इस जो भी करना है करने के लिए।